जी दोस्तों, तो यहाँ पे ले लिए एक आलू और आलू को छील लिए हैं और छील कर धो लिए हैं। उसके बाद चलिए मही वाला ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं और उसे बनाते हैं एक नया रेसिपी। तो देखिए आलू ग्रेट हो गया और इसमें बस ऐड करना है कुछ सामान। तो यहाँ पर देखिए ये आटा ले ली हूँ, आटा एक कप ले ली हूँ और इसी में देंगे कुछ मसाला। तो देखिए यहाँ पर ली हूँ जवाइन, जवाइन को हाथ में मसल कर दीजिएगा तो टेस्ट टेस्ट हो जाएगा। और यहीं पर मैं दूंगी थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके। और देखिए बस एक हरी मिर्च काट कर दी हूँ, वो भी बारीकी काट ली हूँ। आप लोग अगर ज़्यादा तीखा खाना चाहे तो दो तीन काट लीजिएगा, मैं एक ही से हो जाएगा। और यहाँ पर एक चिटकी हल्दी पाउडर देना है और उसी चम्मच से, छोटा चम्मच है, वहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर दी हूँ क्योंकि चटपटा हो तो कहिए स्वाद आ जाता है। और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर भी एक चम्मच दी और भुना हुआ जीरा भी एक चम्मच दी, छोटा चम्मच से ही। और चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हींग दे दे रहे हैं। हींग खाने से तो बस क्या होता है कि कोई भी ऑयली चीज़ खाओ तो पेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे धनिया पत्ता दिए काट कर। और यहाँ पे देखिए खाने वाले चम्मच से दो चम्मच ऑयल होगा, इसमें मैं ऑयल दी। और इसको हिलाना है और मिलाना है, अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी देकर बस इसको मखना होता है। तो चलिए यहीं पर दे देते हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक भी दे दिए और फिर से मिला लिए। अब हाथों से मिलाए अच्छे से मसल कर, देखिए कितना अच्छा टम मसला गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसको मखूंगी। एक बार पानी मत दीजिएगा नहीं तो आटा गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा तो जो आप रेसिपी बना रहे हैं वो रेसिपी आपका नहीं बनेगी। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी दे रही हूँ और आटे को हाथों से मिला रही हूँ। तो आटा का डो मिला कर हो गया तैयार। अब चलिए इसको रख देते हैं। और यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा हम सूखा आटा, क्योंकि बिना सूखा आटा का नहीं कुछ कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा सूखा आटा लिए और इसको गोल गोल लड्डू बनाते हैं। तो यहाँ पे गोल गोल लड्डू बना ले रहे हैं। और नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए ये जो आटा का गोल गोल लड्डू, इसको बनाते हैं रोटी। तो चलिए इसको बेलते हैं। ये रोटी का रेसिपी नहीं है, ये दूसरा रेसिपी है। तो चलिए इस रोटी को तो बना लिए और एकदम पतला आकार में बेलना है, मोटा नहीं। इसको रोटी से भी पतला बेलिएगा इसको। और यहाँ पर लिए हम गिलास और गिलास से गोल गोल बना लेते हैं। तो ऐसे गिलास से कटिंग कर लेना है। तो चलिए इसमें से इसका पुड़िया निकाल लेते हैं। अब इसको समझिएगा आप लोग की पुड़ी है तो पुड़ी नहीं है, अभी भी ये दूसरा ही रेसिपी है। तो चलिए इसको निकाल कर हम लोग रख लेते हैं। आपको दिखा रही हूँ कि इतना ही पतला होना चाहिए, तभी जाके आपका जो नाश्ता बना रहे हैं एकदम कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए दोस्तों इसको इस तरह बनाना है, हाथों से लेना है और तीन उंगली से पकड़कर इसको प्रेस करना है। तो देखिए एक बार और मैं दिखा दे रही हूँ, ऐसे कर कर इसको बना लेना है। अगर आपको कोई और डिजाइन का भी आए तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दो डिजाइन से बनाऊंगी। ये देखिए अब मैं दूसरा डिजाइन आपको दिखाती हूँ, इस तरफ से भी बना सकते हैं आप। देखिए लग रहा है ना गुलाब का फूल का कली है, पर है आटा का कली। तो चलिए ऐसे करके बना लेते हैं। तो देखिए बन गया। और चलिए अब गैस के पास चलते हैं। यहाँ पर हो गया तेल गरम और इसमें हम देते हैं इसको। और देखिए क्रिस्पी कुरकुरा नमकीन जैसा आलू का, आप क्या बोलिएगा इसको, जो बोलते होंगे, हम लोग तो इसको बोलते हैं आलू और आटे वाली नमकीन। तो देखिए दोस्तों इसको इस तरफ से भाजिए और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर उलट पुलट कीजिए, बस ये कुरकुरा सा आपका नाश्ता
बन के तैयार हो गया। आप बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सभी को ये नाश्ता पसंद आएगा। या घर में आए हुए मेहमान को खिलाइए, उनको भी ये नाश्ता पसंद आएगा और बोलेंगे कि वाह क्या चीज़ से बनाए हैं। वो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आटा का नाश्ता है दोस्तों। तो देखिए ये बनकर हो गया तैयार। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, अभी और फ्राई करना बाकी है। तो आप इसको कोई चीज़ साथ में खाना चाहे, चटनी के साथ में खाना चाहें, या दही के साथ में खाना खाएं, या ऐसे खाने के लिए चाहिए तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे क्योंकि इतना ये चटपटा और अच्छा है ना, हेल्दी है शरीर के लिए कि कहने लायक नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर में और खाइएगा। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो देखिए दोस्तों दूसरा बार भी मैं बना रही हूँ, और ये इतनी कुरकुरी क्रिस्पी होगी ना कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि हाँ इतनी कुरकुरी होगी। तो चलिए ये भी दूसरा वाला भी हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये एक बार बनाइएगा ना तो आप इसको रख भी सकते हैं ऐसा, इसको आप माने महीना, 15, 2 महीना, 6 महीना आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। जैसे बिस्कुट वगैरह रखते हैं वैसे इसको रख सकते हैं, या इसे नॉर्मली आप गर्मा गर्म बनाकर भी खाइए, ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहेगा। तो देखिए बनकर हो गया तैयार। तो आइए मेरे यूट्यूब फैमिली, देखिए कितना अच्छा बनाई हूँ आलू और आटा से। तो ना ये सिंघाड़ा और कचौड़ी, इसके आगे सब पकौड़ी सभी फेल है क्योंकि सभी का टेस्ट इसी के अंदर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त और कितना कुरकुरा, एकदम क्रंची। ये देखिए देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। आप लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं, या आप लोग इसको महीना, 3, 2 महीना, 6 महीना के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, या रोज रेगुलर आप लोग चाय के साथ में भी इसको खा सकते हैं, या ऐसे कुछ नमकीन चटपटा खाने का मन करे तो खा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना बनाना ईजी है और खाने में कितना स्वादिष्ट और क्रिस्पी है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी।